यहाँ मैं कहना चाहूंगा ना सिर्फ आमिर खान को, मैं चाहूंगा कि बच्चन साहब से लेके अभी का जो जेनरेशन है वो इस चीज को देखे और ये समझने की कोशिश करे कि भैया हम लोग हिंदुस्तान का क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो। आजकल की जो युवा पीढ़ी है आप उनको देखो, उनको हिंदुस्तान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमारे नेशनल एंथम के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन एमिनेम के सारे सॉन्ग्स वो जानते हैं, शकीरा के सारे सॉन्ग्स जानते हैं, सब वेस्टर्न आर्टिस्ट के सारे सॉन्ग जानते हैं। तो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन वी एज अ कम्युनिटी आर लूजिंग साइट ऑफ द रियलिटी ऑफ हु वी आर एंड व्हाट वी रिप्रेजेंट इन द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, एंड आज इज अ कल्चर दैट गोज बैक टू 5000 ईयर्स, नॉट मिकी माउस एंड डोनाल्ड डक। यू अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ना, द रोस्टिंग पार्ट। एंड हम लोग मतलब ये जो रोस्ट बनाया, मैं हिंदुस्तान, यहाँ मैं कहना चाहूँगा मैं हिंदुस्तान का पहला सेलिब्रिटी हूँ जिसका रोस्ट किया गया था ऑल इंडिया बकचोद से एक दो साल पहले। मैंने एक शो किया था MTV टाइम आउट पे जब मेरा भी रोस्ट हुआ था, लेकिन वो कि क्या मजाल के मेरे फैमिली पे जाएं, उनकी क्या मजाल के मेरी सेक्सुअलिटी पे जाएं, क्या मजाल के मुझे एक गाली दें। देर इज अ वे ऑफ रोस्टिंग पीपल विदाउट स्टूपिंग टू द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर लेवल एंड गिविंग गालीज, दैट्स द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेक। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मिनट, नेगेटिव पॉजिटिव इज पीपल्स परसेप्शन ऑफ मी, ठीक है। यहां मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे जॉब्स मैंने किए जिसकी वजह जिसको प्रमोट करने के लिए मुझे बोला जाता है कि आप किसी को झापड़ मारो, आप अपने चड्डी उतार के बीच पे भागो। I know who I am, I know where to draw the line, and I know where I will respect my audience's views about myself. वो करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर मेरे audience को वो चीज़ सुनने से देखने से परेशानी होगी तो मेरी सामाजिक जिम्मेदारी है कि मैं वो सोच के उस चीज़ को करना मुनासिब समझूँ ही नहीं।